सीबीआई और फॉरेंसिक टीम उस होटल में पहुंची जहां सोनाली फोगाट रहती थी। जामिया ने सफूरा जरगर के लिए प्रदर्शन में शामिल छात्रों को नोटिस जारी किया। जामिया ने दिल्ली दंगों की आरोपी सफूरा जरगर के कैंपस में दाखिल होने पर बैन लगाया। क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज रवाना होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। टीओडब्ल्यू की टीम ने जैकलिन के ड्रेस डिजाइनर को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना जिले के टीटागढ़ में स्कूल की छत पर धमाका। मेरे घर कुछ नहीं मिला, डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में सेंध। द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में सीबीआई की जांच। सीबीआई के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद। भारत में आई जीतों पर कांग्रेस की सियासत। जयराम रमेश ने कार्यक्रम को बताया तमाशा। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी का स्वागत किया। नड्डा ने ब्लड डोनेशन कैंप का निरीक्षण किया। ब्रजेश पाठक ने उद्घाटन किया ब्लड डोनेशन कैंप का। भारी बारिश से भूस्खलन, 24 घंटों में 17 लोगों की मौत। बॉलीवुड सेलेब्स ने दी पीएम मोदी को बधाई, खास है किंग खान का मैसेज, करोड़ों माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमनतुल्ला खान की 14 दिन की कस्टडी मांगी। आम आदमी पार्टी विधायक अमनतुल्ला खान को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया।